गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट टीवीज क्लास। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में डिस्कसिंग अबाउट टॉपिक क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजंस। सो अवर फर्स्ट सीजन इज इन समर। समर मींस होता है गर्मी। द वेदर इज वेरी हॉट, जो मौसम होता है जो कैसा होता है, बहुत गर्म होता है। सो यू लाइक टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं इस सीजन में? हम कॉटन लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, बिकॉज दिस टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एब्जॉर्ब द स्वेट इजीली एंड कीप योर बॉडी कूल एंड कंफर्टेबल। क्यों पहनते हैं? क्योंकि इस टाइप के कपड़े हमारी जो बॉडी से पसीना निकलता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बॉडी को कूल रखते हैं और हमें बहुत कंफर्टेबल फील होता है। कॉटन इज ऑब्टेंड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। अब जो कॉटन होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है। कॉटन क्लोथ्स आर मेड बाय स्पिनिंग एंड वीइंग क्लोथ। और जो कॉटन क्लोथ्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? स्पिनिंग और वीइंग के थ्रू बनाए जाते हैं। क्लोथ इज स्पॉन ऑन अ वीविंग मशीन कॉल्ड अ लूम। और जो कॉटन होता है, जो मशीन यूज होती है उसे बोलते हैं लूम। सिल्क वर्म्स आर टेम्ड ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज। जो सिल्क वर्म होता है, वो मलबेरी ट्रीज पे अपना अंडे देते हैं। ओके, इन विंटर द वेदर इज टू कॉल्ड। अब सेकेंड सीजन आता है हमारा विंटर। विंटर सभी को पता है मीन्स ठंड का सीजन। द वेदर इज टू कॉल्ड एंड यू लाइक टू वियर थिक वूलन क्लोथ। इस सीजन में आप ठंडे कपड़े, ठंड से बचाने के लिए अपने आप को मोटे कपड़े पहनते हैं, वूलन कपड़े पहनते हैं, टू कीप यूर सेल्फ वार्म, जो क्या रखते हैं, आपको गर्म रखते हैं। वूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम शिप। और जो वूल होता है वो हमें शिप से मिलता है, भेड़ से मिलता है। वूल इज यूज टू नीट स्वेटर्स, कैप, सॉक्स एंड अदर वार्म क्लॉथ। और जो वूल होते हैं उसका यूज हम स्वेटर्स बनाने में, कैप्स बनाने में, सॉक्स मीन्स मोजे और भी गर्म चीजें, गर्म कपड़े बनाने में यूज करते हैं। ओके, एंड अवर नेक्स्ट सीजन इज रेनी। वेन इट्स रेन्स, सभी को पता है रेनी सीजन बारिश का सीजन होता है। रेनकोट्स एंड गम बूट्स आर यूज्ड। इस सीजन में हम रेनकोट और गम बूट्स यूज करते हैं। कीप यूवर ड्राई, जो क्या रखते हैं, आपको सूखे रखते हैं। अम्ब्रेला इज ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। और इस सीजन में हम अम्ब्रेला में छाते का भी यूज करते हैं, जो आपको बारिश से बचाते हैं। तो ये थे हमारे सीजन्स, हमारे इंडिया के थ्री मेनली सीजन्स। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्क एंड सिंथेटिक क्लोथ। अब सिल्क और सिंथेटिक क्लोथ क्या होते हैं? यू ऑल्सो वियर क्लोथ मेड फ्रॉम सिल्क। आप अधिकतर जो कपड़े पहनते हैं वो सिल्क के बने रहते हैं, सिल्क से बने कपड़े भी पहनते हैं। सिल्क इज ऑब्टेंड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। तो जो सिल्क होता है वो हमें सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। यू गेट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकोन्स ऑफ सिल्क वॉर्म। और जो सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है? कोकोन्स मिलता है। कोकोन्स के थ्रू हमें ये थ्रेड्स मिलते हैं, कॉटन थ्रेड्स मिलते हैं। लेटर दीज थ्रेड्स आर यूज टू मेक सिल्क क्लोथ। और यही थ्रेड्स का यूज हम सिल्क कपड़े बनाने में यूज करते हैं। क्लोथ्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम नायलॉन, रेयन और पॉलिस्टर। और जो क्लोथ्स होते हैं वो इसके क्या क्या बनाए जाते हैं? उनसे नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर बनाए जाते हैं। दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक क्लोथ, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? सिंथेटिक क्लोथ्स बोलते हैं। कम ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म्स एंड कॉस्ट्यूम। अब यूनिफॉर्म क्या होते हैं, कॉस्ट्यूम क्या होते हैं? सम पीपल हु डू स्पेशल जॉब सच एज पॉलिसमैन, सिक्योरिटी गार्ड, आर्मी मैन, एडवोकेट, डॉक्टर, नर्स, पोस्टमैन एटसेट्रा। कुछ स्पेशल लोग जो स्पेशल जॉब करते हैं जैसे पुलिस, सिक्योरिटी गार्ड, आर्मी, वियर यूनिफॉर्म बिकॉज दे आर आइडेंटिफाई विद देयर यूनिफॉर्म। ये लोग क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं, क्योंकि ये अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं विद देयर यूनिफॉर्म से, आइडेंटिफाई करते हैं।
जैसे कि हमें आप कोई नॉर्मल व्यक्ति जो ड्रेस पहनता है तो हम उसमें पता नहीं लगा पाते कि ये डॉक्टर है या ये क्या है, पुलिस मैन है या ये आर्मी मैन है या सिक्योरिटी गार्ड है। लेकिन यदि वो अपने उन्हीं कलर जो उनकी ड्रेस यूनिफॉर्म होती है, यदि वो कपड़े पहने वो यूनिफॉर्म पहने तो हम इजीली पहचान जाते हैं कि ये पुलिस है या ये आर्मी मैन है। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने यूनिफॉर्म पहनते अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर आइडेंटिफाइड विद द क्लोथ्स ऑफ देयर कंट्री। दिस क्लोथ्स आर कॉल्ड कॉस्ट्यूम्स। और कुछ कुछ लोग जो अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, अलग अलग प्रकार के अपने कपड़ों को आइडेंटिफाई करते हैं अपने कंट्री के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से। उन्हें क्या बोलते हैं, हम कॉस्ट्यूम्स बोलते हैं। ओके, कॉस्ट्यूम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, सभी ने अलग अलग अपनी कंट्री के हिसाब से अपने कपड़े पहने हुए हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट्यूम्स बोलते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आवर चैप्टर हैव फिनिश्ड। नाउ वी वर डूइंग अवर एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट नंबर इज इन सिटीज वुमेन वियर मेनली। सिटीज में जो औरतें होती है वो क्या पहनती है मेनली, घाघरा चोली, पैंट शर्ट या साड़ी। सो आंसर इज साड़ी। ओके, सेकेंड, पीपल इन विलेज वियर। जो गांव के लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं, पैंट शर्ट, नो, धोती कुर्ता, यस। ओके, साड़ी भी नहीं पहनते, साड़ीज वहां की औरतें पहनती। ओके, इन सिटीज गर्ल्स वियर। सिटीज में लड़कियां पहनती हैं जींस टॉप, स्कर्ट्स या बोथ ऑफ देम। तो आंसर इज बोथ ऑफ देम, वो जींस भी पहनती है और स्कर्ट्स भी पहनती हैं। नेक्स्ट, अम्ब्रेला एंड रेनकोट्स आर यूज्ड इन सीजन। अम्ब्रेला और रेनकोट का यूज हम इस सीजन में करते हैं, रेनी सीजन, विंटर सीजन या बोथ। सो आंसर इज रेनी सीजन। ओके, यू कैन आइडेंटिफाई द पीपल ऑफ देयर कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ देयर। ऐसे लोग जहां अपनी कंट्रीज के थ्रू अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उन्हें बोलते हैं फेसेस, कॉस्ट्यूम या डायलेक्ट्स। तो आंसर इज कॉस्ट्यूम्स के थ्रू अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन है वो कंप्लीटेड। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। इन रेनी सीजन यू यूज। रेनी सीजन में आप उपयोग करते हैं कॉटन, कोकोन, वूलन, क्लोथ्स, रेनकोट या। सो फर्स्ट नंबर इज इन रेनी सीजन यू यूज। बारिश के सीजन में आप यूज करते हैं रेनकोट। लिखिए यहाँ पे RANCOAT, रेनकोट। ओके, सेकेंड इज सिल्क इज ऑब्टेंड फ्रॉम द ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क हमें प्राप्त होता है वो सिल्क वॉर्म से किससे मिलता है, कोकोन। लिखिए यहाँ पे COCOON, कोकोन। ओके, पीपल वियर टू कवर देयर बॉडी। पीपल अपने आप को, लोग अपने आप को ढकने के लिए क्या पहनते हैं, क्लोथ्स। लिखिए यहाँ पे CLOTHES, क्लोथ्स मीन्स कपड़े। ओके, इन विंटर पीपल वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड। ठंडी के सीजन में या ठंड के सीजन में, सर्दी के सीजन में लोग अपने आप को बचाने के लिए किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कॉटन, सॉरी वूलन, क्लोथ। ओके, लिखिए यहाँ पे WOOLEN, वूलन, क्लोथ। इन समर्स पीपल वियर क्लोथ्स। गर्मी के दिनों में लोग पहनते हैं कॉटन क्लोथ। लिखिए यहाँ पे COTTON, कॉटन क्लोथ। ओके, सो स्टूडेंट्स वी वर डूइंग अवर क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू वियर क्लोथ्स, आप कपड़े क्यों पहनते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट अ हेडिंग। चैप्टर नंबर 7, नेम इज क्लोथ्स। हेडिंग इज थिंक एंड राइट। ओके,
फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वियर क्लोथ्स. तो हमने लिखा है वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर सेल्फ एंड मेक अस लुक स्मार्ट. हम कपड़े अपने आप को कवर करने के लिए पहनते हैं और जिससे हम स्मार्ट दिखे, अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए पहनते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज व्हाट डू पीपल वियर इन सिटीज. सिटीज में लोग क्या पहनते हैं. इन सिटीज पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स लाइक जीन्स टॉप स्कर्ट. वहां पर लड़के क्या पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, टॉप्स और स्कर्ट पहनते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच टाइप ऑफ क्लोथ्स डू वियर पीपल वियर. तो गांव विलेजेस गांव के लोग क्या पहनते हैं. तो हमने लिखा है इन विलेजेस गांव के लोग मेन वियर धोती कुर्ता एंड पजामा. जो मेन होते हैं वो क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता और पजामा पहनते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ व्हाई डू डॉक्टर्स पुलिसमैन आर्मी सिक्योरिटी गार्ड्स स्टूडेंट्स एक्सेट्रा वियर अ यूनिफॉर्म. ये लोग यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं. दिस पीपल वियर अ यूनिफॉर्म. ये लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं क्योंकि दे आर आइडेंटिफाइड विद देयर यूनिफॉर्म्स. वो क्या करते हैं, अपने आप को यूनिफॉर्म्स के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं या परिचित करते हैं या परिचय देते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज पीपल चूज द क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन बाय. लोग अपने कपड़े सीजन के अनुसार क्यों सिलेक्ट करते हैं. पीपल चूज क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन बिकॉज पीपल अपने कपड़े मौसम के अनुसार चूज करते हैं क्योंकि दे मेक देम फील कंफर्टेबल इन सीजन. वो उन्हें क्या करते हैं, उस सीजन में बहुत ज्यादा फील करवाते हैं, कंफर्टेबल फील करवाते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स अवर चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 7th है वो फिनिश्ड. इन नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.